नमस्कार सर, आज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं वैष्णव गौरी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ इस वक्त बलरामपुर से करें, जहां पर भूख और कुपोषण की वजह से कोडाकू जनजाति के बच्चे की मौत हुई है। शासन के सुपोषण अभियान की यहां पर पोल खुली है। मृत बालक का वजन औसत से काफी कम बताया गया है। बाबा के साथ दो बच्चे रहते थे, एक की उम्र 6 साल, एक 2 साल के छोटे बच्चे की मौत हुई है। माँ की पहले ही मौत हो चुकी थी। कोडाकू जनजाति के ये बच्चे बताए जाते हैं। व्यक्ति का आज तक नहीं बन पाया है राशन कार्ड। कोरोना संकट काल में भी कोडाकू जनजाति को राशन नहीं मिल पाया है। कोडाकू जनजाति भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती है, बच्चे का पालन पोषण करने के लिए मजबूर है। वाड्रफ नगर जनपद पंचायत क्षेत्र के भगवानपुर ग्राम पंचायत का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, मां की पहले ही मौत हो चुकी है। तो यहाँ पे तमाम दावों की पोल यहाँ पे खुलती हुई नजर आ रही है। बलरामपुर में कुपोषण से एक बच्चे की, 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। इस विडंबना देखिए, इस परिवार के पास ना तो राशन कार्ड है, क्योंकि भीख मांगकर ये परिवार अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। एक बच्चे की उम्र 6 साल बताई जाती है। दूसरा बच्चा जो छोटा बच्चा था 2 साल का, उसका वजन औसत से कम बताया गया और कुपोषण की वजह से इस बच्चे की मौत हो गई। आपको ये भी बता दें कि आंगनबाड़ी में कई तरह की योजनाओं को संचालित किया जाता है ताकि कुपोषण से जीता जा सके। और जिस तरह से यहाँ पे कुपोषण के चलते इस बच्चे की, संवाददाता सुदीप हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। सुदीप, एक बच्चे की मौत हो जाती है, 2 साल का ये छोटा सुनील ये बच्चा बताया जाता है, जो कुपोषण के चलते इसकी मौत हो जाती है। आखिर कर क्या रहा है जिला प्रशासन, जब उसको ये ही नहीं पता कि क्षेत्र में कितने बच्चे सुपोषित हैं और कितने कुपोषित। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्राम पंचायत भगवानपुर में एक मामला आया है। 2 साल का एक कोड़ाकू बच्चा है जो पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहा था, और उसके पिता ने उसके इलाज के लिए गांव के ही एक हॉस्पिटल में, बस्ती हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया था, जहां पर डॉक्टरों ने उसे कुपोषित घोषित कर दिया था। बच्चे की उम्र 2 साल है और उसकी वजन 4 किलो। ये बिल्कुल सोचने वाली बात यह है कि एक 2 साल का बच्चा, जिसका वजन कम से कम 15 किलो होना चाहिए, आज वो 4.5 किलो का है। डॉक्टरों ने उसे मना कर दिया कि नहीं, इतने कुपोषित बच्चे को बचा पाना संभव नहीं है। नहीं तो डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इतने कुपोषित बच्चे को बचा पाना संभव नहीं है। तो वो डॉक्टर हैं किस लिए? सरकार के द्वारा इतनी तमाम योजनाएं संचालित की जाती हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों में इनको सूखा आहार दिया जाता है, तमाम तरह की चीजें दी जाती हैं, उसके बाद भी अगर इस तरह के जो मामले सामने आते हैं, तो फिर क्या कर रहा है महिला बाल विकास विभाग? मैं बताना चाहूंगा, यह कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा कि महिला बाल विकास की जिम्मेदारी यहाँ पे पूर्ण दिखती है। महिला बाल विकास के बैठे जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, स्थानीय हो, वो केवल इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे सीमा में नहीं आता, ये हमारी सीमा में नहीं आता। आखिर ये बच्चा किसकी सीमा में आता है? इस सवाल पे मैं खुद फील्ड पे गया हुआ। महिला बाल विकास विभाग ना हुआ, पुलिस विभाग हो गया कि हमारी सीमा में नहीं आता, इसलिए हम रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे। अनिला भेड़िया महिला बाल विकास मंत्री, आखिर उनके संज्ञान में ये पूरा मामला है? अभी महिला बाल विकास के हमारे छत्तीसगढ़ की महिला मंत्री जी के पास ये मामला नहीं गया हुआ है। तत्काल इस विषय पे क्षेत्रीय नेता लोग एक्टिव हो चुके हैं। SDM, तहसीलदार, महिला बाल विकास के अधिकारी, डॉक्टर सभी फील्ड में पहुंच चुके हैं। लेकिन जिस बच्चे की कुपोषण की वजह से सुदीप जिस तरह से इस बच्चे की मौत हुई है, तो क्यों ना उस डॉक्टर को जिम्मेदार माना जाए जिसने इलाज करने से मना कर दिया? क्यों ना उन मितानिनों को जिम्मेदार माना जाए जिन्होंने सीमा का हवाला देते हुए बच्चे तक सुपोषण आहार नहीं पहुंचाया? क्यों ना महिला बाल विकास को सीधे सीधे जिम्मेदार माना जाए? आपको रोकना चाहूंगी, बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार संजय जी, 1-2 साल के मासूम बच्चे की कुपोषण के चलते मौत हो जाती है, डॉक्टर कहते हैं क्योंकि अति कुपोषित है, हम इलाज नहीं कर सकते हैं, आप ले जाइए। देखिए, बड़े दुख का विषय है कि छोटे छोटे बालक
कुपोषण होने के कारण, कुपोषित होने के कारण जिस तरीके से उनकी मौतें हो रही हैं, और एक और दूसरी ओर ये सरकार जो है केवल आंकड़ों के आधार पर अपनी पीठ थपथपाने में व्यस्त है कि हम बहुत सारे अभियान बस्तर से लेकर तमाम प्रकार के अभियान चलाए हैं, सरगुजा में चलाए हैं, लेकिन सरगुजा का ही एक भाग है बलरामपुर वाडमनगर जहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस की जो रीति नीति है कि कांग्रेस केवल कागजी कार्रवाइयों में व्यस्त रहती है, आज पूरे प्रदेश में चाहे कोरोना से लेकर अन्य प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, कुपोषण की बात है, अन्य प्रकार की बात है, हाहाकार मचा हुआ है। और इन दो वर्षों में ये कह सकते हैं कि 20 वर्षों की जो स्थिति थी, इन दो वर्षों में छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है, और सरकार सभी दिशाओं में और सभी क्षेत्रों में लगभग असफल हो चुकी है, लगभग फेलियर हो चुकी है। ईमानदारी के साथ में इनको काम करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे जिस तरह से मिताने ने एक दूसरे पर सीमा विवाद की, हमारी सीमा में नहीं आता, हमारे कार्य क्षेत्र का मामला नहीं है, जिस तरह से पुलिस विभाग कहता है कि भाई हम कैसे FIR कर लें क्योंकि हमारी ये सीमा में नहीं आता, ठीक सीमा विवाद को लेकर यहाँ पे मिताने और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आपस में भिड़े हुए हैं, अगर इसी तरह से स्थिति रहेगी तो कैसे कुपोषण को कैसे प्रदेश से खत्म किया जाएगा? फिर देखिए, कांग्रेस का पुराना इतिहास बंटवारे का रहा है और वही बंटवारा पद्धति चल रही है, ये मेरा क्षेत्र है, ये तेरा क्षेत्र है। कुल मिलाकर प्रदेश में इस तरह की जो घटना हुई है ये प्रदेश सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक है। बात ये नहीं है कि किसके क्षेत्र में क्या क्षेत्र में नहीं है, किसी न किसी के क्षेत्र में, किसी न किसी के स्थानीय के क्षेत्र में ये होगा, लेकिन एक मौत हो जाना, बच्चों का मौत हो जाना, छोटे बच्चों की मौत हो जाना, वो भी कुपोषण के कारण। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां पर कुपोषण होता था, जहां पर भूख से मौतें होती थी कांग्रेस के समय, और आज से 15 साल पहले इस प्रदेश में जो मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना जिसकी दुनिया में चर्चा हुई थी उसको स्थापित करके डॉक्टर मन सिंह ने यहां पर इन सब चीजों को रोका था। लेकिन ये सरकार कुपोषण और सुपोषण केवल अभियान, अभी कुछ दिन पहले ही मैं सुन रहा था कि नहीं, हमने बस्तर में घर घर जाकर तमाम प्रकार की चीजों को किया है, कल विधानसभा का मैंने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, सुपोषण पर तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी चीजें कह रहे थे। आज मुझे लगता है कि पूरी पोल से सरकार की खुल गई है और सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं, सरकार को एक्चुअल समझ ही नहीं आ रहा कि सरकार किस तरीके से चलनी चाहिए, और कुल मिलाकर सभी दिशाओं में फेल है। हम तो ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि इनका समय जल्दी निकले और किसी प्रकार की जनहानि इस प्रदेश के अंदर में ना हो, उम्मीद तो इनसे बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, वाकई में क्योंकि जिस तरह से संजय जी हम आंकड़े देख रहे हैं, आंकड़े वाकई में चिंता की लकीरें उत्पन्न कर देते हैं कि आखिर कुपोषण से आज तक न केवल प्रदेश बल्कि हमारा देश ही नहीं जीत पा रहा है, हम हर मतलब उस जगह पर हमारा ये फेलियर हो जाता है कि जहाँ पे लोगों को योजनाओं का लाभ सीधे सीधे मिलना चाहिए वहां पर इच्छा शक्ति की कमी होती है, तो वहां पे मतलब हम उन योजनाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं, क्या करना होगा ऐसा? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, कुपोषण और प्रदेश में भूख से मौतें हों इस पर हम भी राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन ये सरकार जो है, इस सरकार को सबसे पहले अपनी कमियों को छिपाने के लिए सरकार जो पहले दिन से कर रही है तमाम प्रकार के झूठे आंकड़े सामने रखकर अपनी वाहवाही करती, इसको बंद करे और ईमानदारी से प्रयास करे। प्रयास करते हुए आदमी दिखाई देता है, कहीं असफल हो जाता है तो कहीं दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपका जो प्रयास है वही ईमानदारी से नहीं हो रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है, इन सरकार की जो योजनाएं हैं चलती हैं लेकिन नीचे तक नहीं पहुंच पाती, और भ्रष्टाचार जो इस सरकार का सबसे बड़ा जो वो है वो एक सबसे बड़ा कारण यहाँ पर बन रहा है। उदाहरण के लिए कोरोना का जो चर्चा आपने देखा होगा, कोरोना के समय में टमाटर 580 रुपए किलो में खरीदी, जिसका प्रूफ है। तो ये भ्रष्टाचार मतलब हर पैमाने पर, और संवेदनशीलता नहीं है कि आज क्या स्थिति है वाकई में, क्योंकि सोचना होगा क्योंकि इस तरह से तो काम नहीं चल पाएगा, जहाँ पे अगर सुपोषण योजना चल रही है और उसी सुपोषण योजना के तहत अगर इस तरह से एक बच्चे की मौत हो जाती है तो क्यों ना सवाल पूछा जाए और क्यों ना उस सवाल का जवाब माकूल आखिर क्यों नहीं मिलता, इस पे भी चिंतन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। सुदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इसी तरह से आंकड़े हम आपको बता दें कि 2010 और 12 में जो मातृ शिशु दर थी छत्तीसगढ़ की वो 230 थी, और कोई बेहतर, बहुत बेहतर स्थिति में आज भी छत्तीसगढ़ नहीं है। कल भी चाहे सरकार किसी की भी रही हो, कल भी कुपोषण के चलते बच्चों की मौत हो रही थी और आज भी हो रही है। विधानसभा के